हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे म्यूकर माइकोसिस डिसीज के बारे में तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे उसके कोजेज़ के बारे में कि कौन से कारण से ये डिसीज होता है फिर उसके सिम्टम्स कि जिसको हम कहते हैं उसके लक्षण और किस तरह से हम उसका इलाज कर सकते हैं ये सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे म्यूकर माइकोसिस की जिसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है तो ब्लैक फंगस होने के कारण क्या है कौन से अलग अलग उसके लक्षण होते हैं कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है और कौन से मेडिसिन वगैरह हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस म्यूकर माइकोसिस तो ये सभी टॉपिक को ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स थैंक यू फॉर बींग वन लैक फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारॉक्स तो फार्मारॉक्स का आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कि जो एंड्रॉयड ऐप है ऑन गूगल प्ले स्टोर एट एपल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर था जरूर से आपको डाउनलोड करिए और एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो अब सीखते हैं म्यूकर माइकोसिस के बारे में कि जो एक प्रकार की फंगल डिसीज है तो ये सबसे पहले आपको जान लेना है कि म्यूकर माइकोसिस एक्चुअल में है क्या दिट इज वन टाइप ऑफ ए फंगल डिसीज़ की जो अलग अलग जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उसी का एक प्रकार है ये म्यूकर माइकोसिस तो म्यूकर माइकोसिस इज़ ए एनी फंगल इन्फेक्शन कोज बाय द फंगाई इन द ऑर्डर म्यूकरा म्यूकरालिस की जो म्यूकरालिस जो फंगाई का जो ऑर्डर है वो उ, उसके इन्फेक्शन के कारण म्यूकर माइकोसिस होता है और ये फंगस को यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो उसके जो मोल्ड डेवलप होते हैं और वो मोल्ड के कांटेक्ट में समझो कि कोई आता है तो उसके कारण ये म्यूकर माइकोसिस आपको हो सकता है तो जनरली स्पीसीज इन द म्यूकर राइजोपस एप्सिडिया एंड क्यूनिन मेला जीनेरा आर द मोस्ट ऑफन इम्प्लिकेटेड तो ये है उसकी अलग अलग स्पीसीज की जो म्यूकरालिस ऑर्डर की जो फंगाई है उसके ये अलग अलग स्पीसीज है एंड ये जो डिसीज़ है उसको ब्लैक फंगस डिसीज भी कहा जाता है तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो म्यूकर माइकोसिस है उसको हम ब्लैक फंगस डिसीज भी कहते हैं तो अब जानते हैं इसके बारे में और कुछ डिटेल में कि म्यूकर माइकोसिस इज़ ए फंगल इन्फेक्शन ऑफ द साइनसिस ब्रेन और लंग्स मतलब कि ये पॉइंट में ये बात की है कि जब किसी फंग पर्सन को म्यूकर माइकोसिस का जो इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण बॉडी के कौन से पार्ट जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं तो कौन से बॉडी पार्ट इन्फेक्टेड होते हैं कि जो हमारा साइनसिस का जो पोर्सन है ब्रेन का पोर्सन है और लंग्स जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इन दिस म्यूकर माइकोसिस एंड इट टर्स इन सम पीपल विथ वीकन इम्यून सिस्टम मतलब कि जिसकी इम्यूनिटी कम है ये पॉइंट समझिए खास कि जिन लोगों की इम्यूनिटी जो है वो कम है काफ़ी तो ऐसे लोगों को ये डिजीज का जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से लग जाता है और इनके अंदर ये इसकी सीवियरिटी भी आगे जाके बढ़ती है बिकॉज मेन रीज़न यहाँ पे है कि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो ये इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से क्योर भी हो जाता है और इतनी सीवियरिटी भी इंक्रीज़ नहीं होती बट जब इम्यूनिटी काफ़ी लो है तो लो इम्यूनिटी सबसे पहले है रिस्क फैक्टर अबाउट दिस म्यूकर माइकोसिस इन्फेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी और ब्रेन आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ म्यूकर माइकोसिस कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इन्फेक्शन यूजली होता है ओरल कैविटी का कि जब ये म्यूकर माइकोसिस की जो फंगल डिसीज़ है उसका इन्फेक्शन समझो किसी को लगता है तो ये कौन से रीजन्स को सबसे ज़्यादा डैमेज कर सकता है बॉडी के तो देट आर ओरल कैविटी और दूसरा ब्रेन ये उसके मेन टारगेट रहते हैं एंड द फंगस कैन ऑल्सो इनफेक्ट द अदर एरियाज़ ऑफ द बॉडी जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड द स्किन तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरल कैविटी और ब्रेन ही इन्फेक्ट होंगे बट ये जो फंगस है वो आगे जाके आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक स्किन वगैरह को भी इन्फेक्ट कर सकता है तो ये था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन अबाउट द म्यूकर माइकोसिस अब जानते हैं उसके कोजेस के बारे में तो जो टाइटल स्लाइड के अंदर या फिर जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि म्यूकर माइकोसिस होने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल तो है फंगाई तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे फंगाइस की जो इन्वॉल्व होती है ऑर्गेनिक मैटर्स के डिकेइंग में कि म्यूकरमाइकोसिस कोज बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ फंगई दैट आर ऑफन फाउंड इन डी द ऑर्गेनिक मैटर्स कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स का जो डी होता है उसके अंदर इन्वॉल्व जो अलग अलग फंगस होती है और उसमें भी जो म्यूकर्स जो होती है ये म्यूकर्स के कारण ये इन्फेक्शन होता है म्यूकर माइकोसिस एंड म्यूकर माइकोसिस प्रिवियसली कॉरे Zygomycosis ये डिसीज को पहले क्या कहते थे Zygomycosis तो ये पॉइंट पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि जिससे आप आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर लिख सकते तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये डिसीज का दूसरा नाम क्या है तो दैट इज ए Zygomycosis एंड इज ए सीरियस बट आर रेयर फंगल इन्फेक्शन कोज बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड कॉल म्यूकर माइसेट्स कि जो म्यूकर म्यूकरमाइसिट्स जो हम कहते हैं और उनके जो मोल्ड डेवलप होते हैं उनके कारण ये डिसीज़ होती है हो और ये काफ़ी रेयर है बट जब किसी को होता है तो काफ़ी उसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं तो ये आपने सीख समझ लिया कोजिस के बारे में अब समझिए कि हु एट द रिस्क फॉर म्यूकर माइकोसिस कौन से लोगों को ये इन्फेक्शन होने का रिस्क सबसे ज़्यादा है तो पीपल विथ वीकन इम्यूनिटी और पीपल विथ ए लो इम्यूनिटी जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है आर मोर लाइकली टू डेवलप म्यूकर माइकोसिस एंड दिस इंक्लूड द पीपल विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो अब देखते हैं कि कौन से ऐसे डिसीज़ है कि जिसके अंदर पर्सन की इम्यूनिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है बॉडी जो है वो वीक हो जाती है और साथ में इम्यूनिटी असर पड़ता है तो इसमें सबसे ऊपर प्रायोरिटी के अंदर है एड्स कि जो एच एड्स हम कहते हैं कि उसके अंदर मेनली एच वायरस आपकी इम्यून सिस्टम को ही डैमेज करता है तो जो एड्स के पेशेंट हैं उनको ये डिसीज़ होने का खतरा सबसे ज़्यादा है उसके अलावा जो बंस देन डायबिटीज़ और उसमें भी जब पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ हो कि डायबिटीज़ तो है बट समझो कि पर्सन ने अच्छे से केयर नहीं की और डायबिटीज़ प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है तो वैसे पेशेंट भी रिस्क फैक्टर के अंदर आ सकते हैं फिर जिनको ल्यूकेमिया है एंड लिम्फोमा है कि जो एक टाइप के ब्लड कैंसर्स जो हम कहते हैं फिर लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड यूज कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपने स्टेरॉयड मेडिकेशंस वगैरह यूज़ किए हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी ये इम्यूनिटी जो है वो आपकी फ़्लक्चुएसन होता है और उसके कारण भी जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये फंगस का इन्फेक्शन आपको समझो कि लगता है तो तुरंत से उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर पुअर न्यूट्रिशन है मतलब कि माल न्यूट्रिशन है एंड वीकर इम्यूनिटी आफ्टर द कोविड नाइनटीन इन्फेक्सन कि जो कोविड नाइन्टीन का जो इन्फेक्शन होता है और उसके कारण जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो उसके बाद भी म्यूकर माइकोसिस के जो केसेस है वो देखने को मिलते हैं तो ये है हु एट द रिस्क फॉर म्यूकर माइकोसिस तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है आगे सीखते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या है तो यहाँ पे क्या होता है कि आइस डेट्स वेल एंड स्टिक आउट जिसको हम कहते हैं प्रोट्रूड मतलब कि आप डायग्राम्स की ओर खास ध्यान रखें कि जो सिम्टम्स के अंदर जो हमने डायग्राम्स रखे हैं तो ये वाले आइज का जो पोर्शन देखिए तो ये कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है ये फर्स्ट सिम्टम को कि आइज़ का आपको यहाँ पे ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू भी आप देख सकते हैं कि आइज जो है वो स्वेलोइंग आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा एज वेल एज स्टीक आउट मतलब कि जो आँखें जो चिपक जाती है इस टाइप का जो कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होता है एज अज अ सिम्टम तो ये फर्स्ट सिम्टम्स सेकंड हम देखें तो दैट इज़ ए डार्क स्कैबिंग इन नज़ल कैविटीज या फिर नजल कैविटीज के जो पोर्शन है या फिर नजल के आसपास डार्क स्कैबिंग जैसा देखने को मिलना कि इस तरह से जो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज़ कि नज़ल कैविटी या फिर जो फेस के आसपास फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्शन तो डार्क स्कैबिंग देखने को मिलना उसके बाद तीसरा सिम्टम हम देखें तो फीवर आ सकता है पर्सन को हेडेक हो सकता है तो ये एक उसका सिम्टम है उसके बाद मेंटल स्टेटस जो है वो चेंज होना कि मेंटली जो बिहेवियर है वो पर्सन का थोड़ा अल्टर हो सकता है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड सिम्टम्स फिर रेडनेस ऑफ स्किन अबाउ साइनसिस ये देखिए ये रेडनेस uh, जैसा जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो रेडनेस जैसा आप देख सकते हैं तो रेडनेस ऑफ द स्किन अबाउ द साइनसिस एंड साइनस पेन या फिर कंजेसन हो सकता है एज अ सेवन सिम्टम तो ये थे उसके मेन प्राइमरी सिम्टम्स कुछ और भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं जैसे कि कॉफ होता है मतलब कि खांसी होना कि कॉफ यहाँ पे होना एक सिम्टम है उसके बाद कफिंग विथ ब्लड ओकेशनली अचानक से कफ के साथ जो है वो ब्लड भी आ सकता है फिर फीवर जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ Breath. ब्रीथिंग जो है वो आपके शॉर्ट हो जाना उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेन होना साथ में ब्लड इन ए स्टूल जो स्टूल होता है उसके अंदर ब्लड आ सकता है डायरिया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है और वॉमिटिंग और वॉमिटिंग के साथ कई बार ब्लड जो है वो भी देखने को मिलता है फीवर होता है ठंड लगती है पसीना भी होता है पर्सन को तो ये सब अलग अलग सिम्टम्स डेवलप होते हैं म्यूकर माइकोसिस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हम देखें उसके तो ब्लाइंडनेस इफ़ द ऑप्टिक नर्विस इन्वॉल्व कि समझो कि जो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑप्टिक नर्व होती है वो ऑप्टिक नर्व समझो कि डैमेज होती है तो उसके कारण जो है वो ब्लाइंडनेस हो सकता है तो ये आइकॉन के अकॉर्डिंग टू की जो सिंबल है ब्लाइंडनेस के लिए तो ब्लाइंडनेस का खतरा रहता है आफ्टर दिस इन्फेक्शन ऑफ ए म्यूकर माइकोसिस बिकॉज जब आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो उससे विजन इम्पेयरमेंट होना जायज़ है तो सेकेंड कॉम्प्लिकेशन ये है कि चाहे ब्लाइंडनेस हो जाए कि जब 100% ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए और पार्शियली डैमेज होती है ऑप्टिक नर्व तो उस वक्त विजन इंपेयरमेंट कि यहाँ पे ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू विजन इंपेयरमेंट जो है वो हो सकता है तो ये एक सेकंड कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट ब्लाइंडनेस सेकंड विजन इंपेयरमेंट थर्ड हम देखें तो यहाँ पे क्लोटिंग और ब्लॉकेज ऑफ ब्रेन और लंग्स और ब्लड वेसल्स कि जो ब्लड वेसल्स होती है या फिर जो हम रीजेंस देखें तो वहाँ पे क्लोटिंग होना ब्लड का तो ब्रेन के अंदर या फिर आपके लंग्स के अंदर या फिर जो ब्लड वेसल्स या फिर स्किन के कुछ रीजन्स के अंदर क्लोटिंग होना कि जैसे यहाँ पे देखिए किस तरह से जैसे आपको ये ब्लड क्लोट जैसे देखने को मिलता है कि ब्लड क्लोट का जो फॉर्मेशन हुआ देखने को मिले तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि ये ब्रेन में भी हो सकती है ये कंडीशन स्किन के लेयर्स पे भी, भी हो सकता है एज़ वेल एज कि जो लंग्स को जो ब्लड पहुंचाने वाली जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन को ब्लड पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स उनका ब्लॉकेज हो सकता है या फिर उनके अंदर क्लोटिंग हो सकता है चौथा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हम देखें तो ये डिसीज़ के कारण पर्सन की डेथ भी हो सकती है एंड नंबर फाइव डैमेज ऑफ द नर्व मतलब कि जो न्यूरॉन्स जो है हमारे कि जो हमारी न्यूरॉन्स जो हम कहते हैं या फिर जो हमारी नर्व है वो यहाँ पे डैमेज हो सकती है तो ये सब है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ए म्यूकर माइकोसिस तो वेन टू कॉन्टेक्ट अ डॉक्टर कि जब आप कब आपको और अच्छे से अपना डायग्नोसिस करवा के ट्रीटमेंट करवानी है कि जब आपको ऐसा लगा कि फ़ीवर जैसा है सिम्टम हैड हो रहा है साइनस पेन हो रहा है आइस के अंदर स्वेलिंग हो रही है एंड एनी अदर टाइप ऑफ सिम्टम्स वी हैव डिस्कस हियर के भी जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अकॉर्डिंग टू जो भी सिम्टम्स डेवलप डिस्कस किए आपके साथ इसमें से कोई भी ऐसे सिम्टम्स आपको ऐसे लगते हैं तो तुरंत जो है वो आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करके अच्छे से डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए कि जिससे कोई आगे रिस्क जो है वो ना हो तो कौन से डायग्नोस्टिक फीचर्स है यहाँ पे तो डायग्नोसिस हम देखें तो नोज एंड थ्रॉट इसका होता है अच्छे से डायग्नोसिस की जिसको हम कहते हैं ई तो आप अच्छे से ई स्पेशलिस्ट को देखा कि अपना जो है वो डायग्नोसिस करवा सकते हैं कि जिससे जो डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाए एज वेल एज समझो कि सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं डिसीज स्टार्टिंग के स्टेज में है तो अच्छे से उसका इलाज भी हो जाए फिर सेकंड है कि टेस्टिंग डिपेंड ऑन योर सिम्टम्स कि पर्सन के जो साइनियम सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पर टेस्टिंग होता है डायग्नोसिस होता है एज वेल एज जो इमेजिंग टेस्ट जो हम कहते हैं कि जिसके अंदर जो हम कहते हैं सि स्कैन और एम आर आई दोनों ऑप्शन रहते हैं कि आप सी टी स्कैन करवाए या फिर एम आर आई फिर बायोप्सी मस्ट बी डन टू डायग्नोस म्यूकर माइसकोसिस ये एक प्रायोरिटी डायग्नोस्टिक फीचर है म्यूकर माइकोसिस के अंदर कि जो बायोप्सी की जाती है कि जो सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं स्किन के अंदर के लेयर से और उसकी डिटेल माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है जिसको हम बायोप्सी कहते हैं तो बायोप्सी एंड बायोपसी इज द रिमूवल ऑफ स्मॉल पीस ऑफ टी सू फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेसन टू आइडेंटिफाई द फंगस कि कौन सी फंगस के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है और जब कन्फर्म होता है कि म्यूकर के कारण ही हुआ है तो ये डिसीज़ फिर कन्फर्म हो जाती है कि म्यूकर माइकोसिस है और आगे पर्सन की जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है तो ट्रीटमेंट के अंदर हम जाने तो सबसे पहले कि एंटीफंगल जो मेडिकेशंस और वो भी प्रिस्क्रिप्सन एंटीफंगल मेडिकेशन ऐसे मेडिकेशंस की जो अंडर द है लिस्ट ऑफ आरएक्स ऑनली कि प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद प्रिस्क्रिप्शंस के बाद ही ये मेडिकेशंस अवेलेबल होते हैं तो ये जो है वो सीरियस इन्फेक्शन है इसको लाइटली ले लेना है कि जैसे दूसरे कोई डिसीज़ को आप लाइटली लो बट यहाँ पे जो है वो म्यूकर माइकोसिस सीरियस इन्फेक्शन है एंड नीड टू बी ट्रीटेड विद प्रिस्क्रिप्सन एंटी फंगल कि यहाँ पे डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के साथ ही उसकी ट्रीटमेंट होती है और ट्रीटमेंट के जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एम्फोटेरिसिन बी पोसाकोनाजोल एंड आइसा ईसावका नाज़ोल ये तीन मेडिकेशन्स ऐसे है, है कि जो वाइडली यूज़ होते हैं और उसमें भी लिपोजोमोल एम्फोटेरिसिन बी कि जो यहाँ पे आप एबर्ट का जो प्रोडक्ट देख सकते हैं वो यूज़ होता है एज वेल एज़ एंड थर्ड दैट इज़ इसावो कोनाजोल तो ये तीन ऑप्शन हैं हमारे पास मेडिकेशंस की जो एंटी फंगल मेडिकेशंस है उसके बाद एस uh, इसके अंदर जो इंजेक्टेबल्स है कि मेडिसिन आर गिवन थ्रू द वेन बाय इंजेक्शन कि इंजेक्टेबल के अंदर एम्फोटेरिसिन भी आएगा पूसा को है एंड ईसावकाजॉल uh, तो ये तीन है ये तीनों जो है वो बाय इंजेक्शन वेन के अंदर पेरेंट्रली इसको दिया जाता है कि बाय इंजेक्शन और ये लाइफलाइस प्रोडक्ट होती है और लिपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी की जिसकी स्ट्रेंथ है फिफ्टी एम जी फिर ईसा जो है उसकी स्ट्रेंथ आप देखो तो थ्री सेवेंटी टू एम जी एंड जो ओरली दिए जाते हैं वो है पोसा एंड ईसा वोकोनाजोल तो ये तीन मेडिकेशंस की जो आपको अच्छे से याद रखनी है जिसमें एम्फोटेरिसिन बी ही एक ऐसा है कि जो सिर्फ इंजेक्शन से दिए जाते हैं बाकी पोसा कोनाजोल एंड ईसा वो कोनाजोल ये दोनों ओरली भी अवेलेबल है एज वेल well एज पेरेंट्रली भी उस उनके डोजेज फॉर्म अवेलेबल है अब बात आती है ट्रीटमेंट के अंदर कि सिर्फ मेडिकेशन से इसका इलाज पॉसिबल नहीं है सर्जरी आल्सो रिक्वायर्ड टू रिमूव द टिश्यूज़ कि जो टिश्यूज़ डैमेज कर देता है ये म्यूकर तो ये टीश्यूज़ को रिमूव की जाती है बाय द सर्जरी कि सर्जरी करके ये जो डैमेज पोर्सन्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं इन सर्जरी टू बी डन राइट अवे टू रिमूव द ऑल डेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यू बिकॉज ये फंगस uh, इस टाइप की है कि जो टिश्यूज को कंप्लीटली डेड कर देती है और उनको जो है वो रिमूव करना कंपल्सरी हो जाता है आफ्टर द इन्फेक्शन इट में इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ पैलेट कि जो भी रीजन कि समझे कि पैलेट पे ऐसा हुआ है इन्फेक्शन तो रिमूवल ऑफ पैलेट पार्ट्स ऑफ द नोज और पार्ट्स ऑफ द आई के समझे कि आइस के आसपास ऐसा है तो वो रीजन भी रिमूव करने पड़ सकते हैं बाय द सर्जरी बट विदाउट सच एग्रेसिव सर्जरी चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर ग्रेटली डिक्रीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो सर्वाइवल के जो चांसेस है वो डिक्रीज हो जाते हैं विदाउट सच एग्रेसिव सर्जरी तो सर्जरी यहाँ पर प्राइम इंपॉर्टेंट है इन म्यूकर माइकोसिस की ये वाले रीजन में सबसे ज़्यादा उसकी सीवियरिटी है कि वो इीजन की जो टिश्यूज़ है वो डेड हो चुकी है या फिर कंप्लीटली इन्फेक्टेड है तो उनको सर्जरी करके रिमूव करना ये वाले पोर्सन के समझे कि आगे जाके और डैमेज होता है तो इसके जो टिश्यूज़ वगैरह को रिमूव करवा देना आइस के पोर्सन के अंदर फिर जो पैलेट का जो पोर्सन होता है ओरल कैविटी के अंदर पार्ट्स ऑफ द नोज पार्ट्स ऑफ द ये सब जो है वो रिमूव करने पड़ते हैं बाय द सर्जरी था, of तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकर माइकोसिस तो यह था डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर ऑन द डिस म्यूकर माइकोसिस की जिसको हम ब्लैक फंगस डिसीज भी कहते हैं तो फार्मारोक्स के जो लेक्चर नोट्स हैं उसके पी डी एफ्स आपको फार्मारोक्स की ऐप ऊपर मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर कि जो फार्मारोक्स एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आईफन एप ऑन ऐप स्टोर के आप आईफोन के अंदर भी ये ऐप को एक्सेस कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है सो थैंक फॉर वॉचिंग जरूर से वीडियो का को लाइक करिए वैल्यूबर कॉमेंट्स करिए एंड शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप नाइन फोर टू सिक्स वन एट ज़ीरो थ्री सिक्स हेल्पलाइन नंबर है ज्वाइन कर सकते हैं मोबाइल uh, एप्लीकेशन की जहाँ पे आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाओगे सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट